दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है तो प्लीज आप ये वीडियो ना ही देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ रहस्यमयी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, रेग्रेसर। यह घटना है 15 अप्रैल 2005 की। सोचिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम खत्म करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो भी ऐसा गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज 15 सालों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी रे ग्रिसर की। रे का इस तरह से गायब होना सबको चौंका गया था। एक अधिवक्ता, एक बेटी का पिता और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक रे के गायब होने के अगले दिन उसकी कार और सेल फोन उसके घर से 55 मील दूर एक नदी के किनारे से बरामद किए गए। कुछ महीनों बाद रे का लैपटॉप तथा हार्ड ड्राइव नदी किनारे मिला। हार्ड ड्राइव बुरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में ही व्यस्त रहने वाला रे अपनी मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था, जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहां उसकी कार बरामद हुई, वहीं सिगरेट की राख भी मिली। जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि रे सिगरेट नहीं पीता था। इन सबके अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद रे का कुछ पता ना चल सका। कुछ का मानना है कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर लिया, जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि रे ने आत्महत्या कर ली। काफी छानबीन के बाद भी जब पुलिस कोई ठोस सबूत ना जुटा सकी तो 2009 में रे को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, आप जब रे के गायब होने की हर कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई मिस्ट्री फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। स्टोरी नंबर टू, लॉरी एरिका। रफ दुनिया में हर इंसान की अपनी एक पहचान है। खोजने पर आए तो पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पला बढ़ा और उसके परिवार में कौन कौन है। लेकिन अमेरिका के डलास की रहने वाली लॉरी एरिका रफ की कहानी आम लोगों से अलग थी। लॉरी कैनेडी ने ब्लैक रफ से शादी की तथा दोनों डलास में बस गए। काफी सारे मिसकैरेज होने के बाद 2008 में लॉरी ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लॉरी की जिंदगी में अचानक एक तूफान आ गया। उसके पति को लगने लगा कि उनकी शादी कामयाब नहीं है तथा दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। ये सदमा लॉरी बर्दाश्त ना कर सकी और लॉरी कैनेडी ने ब्लैक रफ से शादी की तथा दोनों डलास में बस गए। काफी सारे मिसकैरेज होने के बाद 2008 में लॉरी ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लॉरी की जिंदगी में अचानक एक तूफान आ गया। उसके पति को लगने लगा कि उनकी शादी कामयाब नहीं है तथा दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। ये सदमा लॉरी बर्दाश्त ना कर सकी और उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक की कहानी तो दुनिया में बहुत से लोगों के साथ घटित हो चुकी है, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें तो लॉरी की मौत के बाद सामने आई। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसकी अलमारी से कई ऐसे कागजात निकले जिसने उसके पति और पुलिस को हैरानी में डाल दिया। दरअसल मृत्यु के समय लॉरी की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात के हिसाब से 1948 से पहले लॉरी कैनेडी नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उसके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए जिन पर उसका नाम बैकी स्वीट टर्नर दर्ज था। बात यहीं खत्म नहीं होती। लोग हैरान तो तब रह गए जब रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेजों पर जिस बैकी की जानकारी दर्ज थी वो 1-2 साल की बच्ची थी, जो 1971 में घर में लगी आग में जलकर मर चुकी थी। अगर बैकी मर चुकी थी, फिर लॉरी कौन थी, कहां से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 2016 तक पुलिस की फाइलों में एक रहस्यमयी केस बनकर पड़ी रही, लेकिन इसी साल लॉरी के रहस्य से पर्दा उठ गया। लॉरी के केस की तहकीकात कर रहे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वेस्टिगेटर जॉय वेलिंग को 2015 में एक फोन आया। ये फोन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट तथा फोरेंसिक जेनोलॉजिस्ट कॉलिन फिट्जपैट्रिक का था। दरअसल 2013 के बाद जब लॉरी की कहानी अखबारों में छपने लगी, तब से कॉलिन ऑनलाइन ही इस केस की छानबीन में जुटे हुए थे। कॉलिन ने जॉय को बताया कि उन्होंने लॉरी के डीएनए से उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली है, जो फिलाडेल्फिया में रहती है। कॉलिन की बात पर भरोसा कर जॉय जब उनके बताए हुए पते पर पूछताछ करने पहुंचे, तो उन्होंने उस परिवार के लोगों को लॉरी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जिस पर उसकी फोटो थी।
लाइसेंस को देखते ही परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा कि ये तो किम्बर्ली है, ये लॉरी की माँ का परिवार था तथा लॉरी का असली नाम किम्बर्ली मैकलिन था। जब वह 18 साल की थी तब अपने माता पिता के अलग होने के बाद वो घर से भाग गई थी। इसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान अपनाई। अब आप ही बताइए कि अगर लॉरी के जीवन पर फिल्म बने तो क्या आप एक पल के लिए भी ऐसी मिस्ट्री फिल्म से नजरें हटा पाएंगे? नंबर 3, ब्रोड्स का घर। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब ही नहीं होती। डेरेक और मारिया ब्रोड्स भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यूजर्सी में स्थित एक पॉश इलाके वेस्टफील्ड में डेरेक ने $13,55,600 में ये घर खरीदा तथा $1,00,000 इसके ऊपर खर्च किए। डेरेक अपनी पत्नी मारिया और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक सब ठीक था। डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफी उत्साहित थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था तभी उसे उसके लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि इस घर पर नजर रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नजर रखे हुए हैं। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नजर रखी, 1960 के बाद उसके पिता ने तथा अब वो इस घर पर नजर रखे हैं। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि वे नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की लेकिन चिट्ठियों को सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां मिलने लगी थी। चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था तथा उसे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता था। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर संबोधित करता था तथा धमकी देते हुए उसे उनका ख्याल रखने को कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफी छानबीन हुए, पड़ोसियों से पूछताछ की गई। और तो और, डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सब से कुछ फायदा ना हुआ। अंत में हार कर डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ा। $14,00,000 से ज्यादा का घर उसने $9,59,000 में बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स जो खुद का नाम दी रावेन बताता है वह भी इसी तरह घर के मालिक को खत लिखता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए हैं। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे को अंधेरे में टटोल कर भी पहचान लेती है, लेकिन बॉबी डनबर के केस में ये बात गलत साबित होती है। यह 1912 की घटना है जब 4 वर्षीय बॉबी डनबर अपने परिवार के साथ लुसियाना स्थित स्वायज लेक पर घूमने गया था। बॉबी यहाँ से अचानक ही गायब हो गया। उसे हर तरफ खोजा गया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इस घटना के लगभग 8 महीने बाद पुलिस ने मिसिसिपी से बॉबी को बरामद किया। बॉबी किसी विलियम वॉल्टर्स नामक व्यक्ति के साथ था। विलियम पुलिस को बार बार कहता रहा कि वह लड़का बॉबी नहीं बल्कि जूलिया एंडरसन नामक महिला का बेटा चार्ल्स ब्रूस एंडरसन है, मगर पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। खैर, पुलिस ने भले विलियम की नहीं सुनी लेकिन बॉबी के माता पिता तो ये पहचान ही सकते थे कि वो उनका बेटा है या नहीं। बॉबी जैसे दिखने वाले उस लड़के को लुसियाना लाया गया और यहाँ बॉबी के माँ बाप ने देखते ही कहा कि वह लड़का उनका ही बेटा है। बॉबी की माँ ने उसके शरीर के तिल तथा अन्य निशानों के आधार पर इस बात की पुष्टि कर दी कि वही बॉबी है। इधर विलियम को अपहरण के अपराध में सजा हो गई। दिन बीतते गए, बॉबी भी अपने परिवार के साथ घुल मिल गया। 1966 में वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके 4 बच्चे थे। उसने अपने साथ बचपन में घटित हुई इस घटना को अपने बच्चों के साथ साझा कर दिया था। 2004 में बॉबी के छोटे बेटे बॉब डनबर ने अपनी बेटी मार्गरेट डनबर के कहने पर DNA टेस्ट करवाया। वह चाहती थी कि वह अपने दादा के इस रहस्य को सुलझा दे। उसने अपने पिता के DNA को उसके चचेरे भाई यानी बॉबी डनबर के छोटे भाई के बेटे के साथ मैच करवाया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि बॉबी के बेटे का DNA उसके किसी चचेरे भाई बहन से मैच ना हुआ। मतलब कि इतने सालों तक जिसे बॉबी डनबर समझा गया वो असल में ब्रूस एंडरसन था।
इसके साथ ही विलियम को उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी जो उसने किया ही नहीं था। अब सवाल ये था कि अगर ये ब्रूस था तो फिर बॉबी का क्या हुआ। अफवाहें यहाँ तक थीं कि बॉबी के माता पिता ने ही बॉबी को मार दिया तथा बचने के लिए किसी अन्य बच्चे को अपना बच्चा बना लिया। वहीं मार्गरेट ये मानती हैं कि बॉबी उस दिन तालाब में गिर गया या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। जो भी हो, लेकिन यहाँ सिर्फ अफवाहें ही हैं। बॉबी का सच क्या था, ये आज तक रहस्य ही है। नंबर 5, टिमोथी पिडजन बच्चों का गुम हो जाना कोई नई बात नहीं है। कई बार वे किडनैप कर लिए जाते हैं तो कई बार जाने अनजाने में घर से बहुत दूर निकल आते हैं, लेकिन टिमोथी पिडजन का केस बाकी अन्य सभी मिसिंग केसों से अलग है। 11 मई 2011 को 6 साल के टिमोथी को हर रोज की तरह उसके पिता ने स्कूल छोड़ा। स्कूल शुरू हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि टिमोथी की माँ एमी पिडजन स्कूल आई और स्कूल प्रबंधन से कहा कि उनके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई है जिस कारण वह टिमोथी को ले जाना चाहती है। आखिर एक माँ द्वारा उसके बच्चे को घर ले जाने से किस आधार पर रोका जा सकता था, सो उसे इजाजत मिल गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि एमी टिमोथी के साथ स्कूल से तो निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। किसी को नहीं पता कि उसके बाद एमी अपने 6 साल के बेटे के साथ कहां गई। अगले दिन टिमोथी के पिता जिम पिडजन ने एमी और अपने बेटे के नाम से 2 मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को एमी जिंदा ना मिल सकी। एक होटल के कमरे में मृत पाई गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि एमी उस कमरे में अकेली थी, टिमोथी उसके साथ नहीं था। उसके मृत शरीर के साथ मिली तो केवल एक चिट्ठी जिस पर लिखा था कि टिमोथी बिल्कुल ठीक है और ऐसे लोगों के साथ है जो उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। दरअसल टिमोथी के माता पिता तलाक ले चुके थे। जिम के अनुसार एमी पहले भी खुद को मारने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर टिमोथी कहाँ और किस हाल में है। पुलिस ने हर तरफ खोजा लेकिन टिमोथी का कोई सुराग ना मिला। हालांकि 2019 में पुलिस को एक ऐसा लड़का मिला जो खुद को टिमोथी बता रहा था। उसका कहना था कि वो 7 सालों से 2 किडनैपर्स के कब्जे में था तथा अब उनके चंगुल से भाग आया है। लेकिन जब उस लड़के का DNA टेस्ट हुआ तो ये बात सामने आई कि वो झूठ बोल रहा है। आज भी ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर टिमोथी कहाँ गायब हो गया। वो जिंदा है या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। क्या आपको नहीं लगता टिमोथी की इस मिस्ट्री को अगर पर्दे पर दिखाया जाए तो ये मिस्ट्री फिल्म लवर्स को खूब पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।